दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले टिकटॉक स्टार मिस्टर हैजू के बारे में। मिस्टर हैजू को 2 साल के जेल होने वाले हैं, इसी लोअर ने उन पे केस कर दिया है। आज हम इसी के बारे में पूरी सच्चाई जानने वाले हैं, आखिर में मामला क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आपको पता होगा मिस्टर हैजू एक टिकटॉक स्टार है जिसका टिकटॉक पे 31 मिलियन फैंस फॉलोअर था, लेकिन फिलहाल में टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था मिस्टर हैजू और उनके 007 के टीम ने। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लोगे कुछ कुछ वैसे वर्ड का इस्तेमाल किया था, बोला था कि इसके अगर बच्चे बड़े होंगे तो किसी को मर्डर करेंगे चाहे कुछ करेंगे, तो आप लोग इसे गुनहगार साबित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो इसके ऊपर किसी ने FIR कर दिया था, यानी कि पुलिस केस कर दिया था। तो मामला हुआ क्या था, तो मिस्टर हैजू 007 की टीम ने यहाँ पे एक लॉयर किया था, जिस लॉयर का नाम था अली कासिम खान, तो उस केस को हैंडल कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, अचानक से कुछ मामला हुआ मिस्टर हैजू और इस लॉयर के साथ, तो 007 की टीम यानी कि मिस्टर हैजू ने लॉयर को चेंज कर लिया था। इसके बाद वो केस मिस्टर हैजू ने जीत भी गया था, ये मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हुआ क्या, जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में मिस्टर हैजू ने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आपने देखे होंगे बहुत सारे टिकटॉकर ने बनाया था, जैसे कि लॉकडाउन में था तो घर से बाहर निकलते हैं, गेट से बाहर से वापस आ जाता है, लेकिन लॉकडाउन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता है। तो हुआ ऐसा, ये वीडियो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गया था। तो अली कासिम खान ने इस वीडियो को देखा तो मिस्टर हैजू पे इस वीडियो के रिलेटेड लेकर एक्शन ले लिया और उनके ऊपर पुलिस केस कर दिया है, और उनके अब 2 साल के सजा भी मिल सकता था। ये मिस्टर हैजू लाइव आए थे, उसके इसके बारे में भी डिस्कस भी किया था। उसने बताया था कि मैंने उसे ऑलरेडी पहले जो है एक केस के लिए लॉयर चुना था, लेकिन उसे मैंने फिर से वो केस ले लिया था और किसी और लॉयर को मैंने दे दिया था कुछ कारण से। तो ये मेंशन हो सकता है जिसकी वजह से मिस्टर हैजू फिर से कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुका है और यहाँ पे 2 साल के जेल भी हो सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ जो 6 मिनट के आसपास के वीडियो है, यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो पूरी मामला समझ में आ जाएंगे आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है टिकटॉक स्टार मिस्टर हैजू के साथ। जैसा कि आपको पता भी होगा मिस्टर हैजू जो है कॉन्ट्रोवर्सी में काफी ज्यादा फंसे हुए रहते हैं किसी न किसी कारण बस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।